नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस दायर है और साथ में जो ईपीएफओ द्वारा पुनर्याचिका दायर की गई थी तो उसके ऊपर जो सुनवाई होने वाली है तो इसका इंतजार कर रहे दोस्तों। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इन केसेस के ऊपर जो सुनवाई है वो 5 सितंबर को होने वाली थी, पर यहाँ पर जो है दोस्तों 5 सितंबर की जगह पर अभी सितंबर की 2 तारीख को इन केसेस के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो जी दोस्तों, इसी के बारे में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बारे में आया है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को पता चल सके और कौन सी तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस के ऊपर सुनवाई होने वाली है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ा अपडेट है इनकी केसेस के ऊपर होने वाली सुनवाई के संदर्भ में तो इसके बारे में जो है दोस्तों अभी हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में दायर है और ईपीएफओ द्वारा जो पुनर्विचार याचिका की गई थी तो इनके ऊपर जो है दोस्तों पहले 2 मई को फैसला आना था लेकिन इसे बढ़ाकर जुलाई के 2 हफ्ते में सुनवाई के लिए रखा गया था जिसे फिर 16 जुलाई को लिस्टेड किया गया था और 5 सितंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिस्टेड किया गया था जिस पर सुनवाई की तारीख को अब बढ़ाकर 19 सितंबर करने की खबरें मिल रही है। तो जी हां दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 2014 में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन कर इसमें कुछ बदलाव किए गए थे जिसमें हायर वेजेस पर पेंशन का विकल्प कर्मचारियों से छीन लिया गया था जिस पर कई दिनों से ईपीएस 95 पेंशन धारक और ईपीएफओ के बीच हायर पेंशन देने के लेकर विवाद चल रहा है। इसमें कर्मचारियों ने केरल हाईकोर्ट को ईपीएफओ के इस फैसले को चुनौती दी थी जिस पर केरला हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। उन्हें हायर वेजेस पर आखिरी महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन गणना का आदेश ईपीएफओ को भी दिया था लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर वेजेस पर पेंशन देने के फैसले पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पेंशन धारकों को हायर वेजेस पर पेंशन देने के फैसले पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए और 1 अप्रैल 2019 को पेंशन धारकों के हित में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर अंतिम महीने की सैलरी के ऊपर पेंशन देने को भी कहा। इसके बावजूद ईपीएफओ की ओर से यह कहकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है कि ईपीएफओ के पास ईपीएस 95 पेंशन धारकों को केरला हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से पेंशन देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। इस याचिका पर जो सुनवाई है वो 5 सितंबर को होने वाली थी पर यहाँ पर जो है दोस्तों इसे बढ़ाकर जो है वो 19 सितंबर करने की खबरें निकल कर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी ली जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है और ईपीएफओ द्वारा जो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तो इनके ऊपर जो सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली थी पर इसकी जगह पे जो है दोस्तों अभी सुनवाई बढ़ाकर 19 सितंबर को की गई है। तो जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी उन सभी पेंशन धारकों को मिल सके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।